नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे आलोचना का अर्थ, आलोचना की परिभाषा, आलोचना का स्वरूप, आलोचना के प्रकार और आलोचना का महत्व अथवा उपयोगिता। हिंदी साहित्य का यह अत्यंत महत्वपूर्ण यह चैप्टर है और इसको आपको विस्तार से समझना है तब आप इस लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसमें आपके मन में जितने भी डाउट्स होंगे आलोचना को लेकर, पूरी तरह से मैं उसे क्लियर करने का प्रयास करूंगा, इसलिए शुरू से अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि आलोचना शब्द का अर्थ क्या होता है। आमतौर पर हम समझते हैं कि आलोचना मतलब होता है किसी का दोष दर्शन करना, किसी की गलतियों के बारे में बताना, किसी की कमियों के बारे में बताना। परंतु वास्तव में आलोचना का अर्थ यह नहीं होता है कि हम सिर्फ किसी की कमियां गिनाएं, उसमें दोषारोपण करें, उसमें क्या कमी है, उसकी क्या गलतियां हैं। तो हिंदी साहित्य में जब हम आलोचना की चर्चा करते हैं तब उसका अर्थ कुछ अलग ही होता है। तो आलोचना शब्द का प्रयोग किसी कृति के गुण दोषों के विवेचन के लिए किया जाता है। मतलब आलोचना शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं साहित्य के अंतर्गत, तब हम आलोचना के अंतर्गत किसी कृति के गुण और दोष दोनों पर विचार विमर्श करते हैं। सामान्यतः आलोचना का अर्थ लोग दोष दर्शन से ही लेते हैं। दोष दर्शन मतलब कमियां निकालना, गलतियां निकालना। किंतु आलोचना के व्युत्पत्ति परक मतलब आलोचना शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका मूल क्या है, उसका उद्गम क्या है, आलोचना शब्द का मूल रूप क्या है, इसके अर्थ पर जब हम विचार करते हैं तब यह स्पष्ट हो जाता है कि आलोचना का अभिप्राय गुण और दोष दोनों पर प्रकाश डालना है। मतलब आलोचना जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं साहित्य के अंतर्गत तब उसका तात्पर्य होता है किसी कृति के गुण और दोष दोनों के संबंध में विचार विमर्श करना, उसकी व्याख्या करना। आलोचना को अन्य दो शब्दों के नाम से भी हम जानते हैं। आलोचना को समालोचना भी कहा जाता है और आलोचना को समीक्षा भी कहा जाता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि आलोचना, समालोचना और समीक्षा तीनों एक ही शब्द हैं। व्युत्पत्ति परक अर्थ मतलब इसका उद्गम कैसे हुआ, आलोचना शब्द का मूल शब्द क्या है, कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आलोचना शब्द की व्युत्पत्ति लोच धातु लोच मतलब मूल शब्द है, धातु है, इसमें अन प्रत्यय लगाकर, है ना, लोचना चना लगाते हैं लोचना, तो लोच धातु में अन प्रत्यय लगाकर और आ उपसर्ग जोड़ने से होती है। मतलब लोच जो धातु है, मूल शब्द है, उसमें जब हम अन प्रत्यय लगाते हैं जो अंत में लगाते हैं शब्द के, और आ उपसर्ग लगाते हैं जो हम किसी शब्द के शुरू में लगाते हैं, इन दोनों को जोड़ने से आलोचना शब्द की उत्पत्ति होती है, आलोचन मतलब बन जाता है। और इसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए, आलोचन शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुनः आ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। इसका संस्कृत में एक श्लोक है, आसमंतात लोचनम अवलोकनम इति आलोचनम स्त्रियाम आलोचना। तो संस्कृत में इसे परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इसको याद रखें तो भी ठीक है, नहीं रखें तो भी ठीक है। अब आ शब्द का अर्थ क्या है, चारों ओर। आ शब्द का अर्थ है चारों ओर संस्कृत में, और लोचन का अर्थ होता है देखना, है ना। अतः आलोचना का शाब्दिक अर्थ हुआ सब ओर देखना, सम्यक दृष्टि से देखना, सब तरफ देखना। दूसरे शब्दों में किसी साहित्यिक रचना की सम्यक परीक्षा करना, पूरी तरह से उसका परीक्षण करना, गुण दोष का विवेचन करना, उसके गुण और दोषों का उद्घाटन करना ही आलोचना है। आलोचना मतलब पूरी तरह से उसका परीक्षण करना, किसी कृति अथवा रचना का पूरी तरह से परीक्षण करना और उसके गुण और दोष पर विचार विमर्श करना, उस पर उसकी विवेचना करना, यह है आलोचना। अंग्रेजी में आलोचना का पर्यायवाची शब्द है क्रिटिसिज्म। अंग्रेजी में आलोचना को कहते हैं क्रिटिसिज्म, जो मूलतः क्रिटेस धातु से बना है यह, जिसका अर्थ होता है अलग करना, अर्थात जिसमें गुण और दोष दोनों को अलग अलग करके दिखाया गया हो उसे आलोचना कहते हैं। तो इंग्लिश में क्रिटिसिज्म क्या है, किसी कृति के गुण दोष को अलग अलग करके दिखाना। तो यह हो गया। अब आलोचना को परिभाषित किया है अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने प्रकार से। तो आलोचना का स्वरूप, स्वरूप मतलब होता है विशेषता अथवा स्वभाव अथवा प्रकार। तो आलोचना के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए यहां हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। पहला है ड्राइडन। ड्राइडन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं इंग्लैंड में, और ये मतलब
बहुत बड़े समालोचक हैं। ड्राइडन का कहना यह है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इन्होंने कहा है, आलोचना वह कसौटी है, वह मापदंड है जिसकी सहायता से किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब आलोचना वह मापदंड है, वह कसौटी है जिसके आधार पर किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है। वह उन विशेषताओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है जो साधारणतः किसी पाठक को आनंद प्रदान करती है। मतलब यह किसी कृति की उन विशेषताओं के बारे में बताती है आलोचना जो किसी सामान्य पाठक को आनंद प्रदान करती है, इनका कहना यह है। तो इस प्रकार ड्राइडन के अनुसार आलोचना के दो उद्देश्य हैं। पहला है कृति के मूल्यांकन के लिए मापदंड निर्धारित करना कि किन मापदंडों के आधार पर, किन नाम्स के आधार पर, किन मापदंडों के आधार पर किसी कृति का मूल्यांकन किया जाए, और दूसरा कृति की विशेषताओं को उजागर करना कि इस कृति या इस रचना की क्या क्या विशेषताएं हैं, यह इनका कहना है। कार्लाइल नाम के एक दूसरे विद्वान हुए हैं, इनका कहना है किसी साहित्यिक कृति का व्यक्ति के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे व्यक्त करना ही आलोचना है। मतलब किसी कृति को पढ़कर किसी व्यक्ति के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जब हम विचार विमर्श करते हैं तब इसे व्यक्त करना ही आलोचना है। तो इस परिभाषा में आलोचना के प्रभाववादी स्वरूप को व्यक्त किया गया है। आलोचना का प्रभाववादी स्वरूप मतलब किसी कृति को पढ़कर, किसी रचना को पढ़कर हमारे मन में क्या प्रभाव पड़ता है, पाठक अथवा श्रोता के मन में अथवा आलोचक के मन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसे कहा जाता है प्रभाववादी स्वरूप। पाठक के मन पर जो अच्छे या बुरे स्वभाव किसी कृति को पढ़कर पढ़ते हैं उन्हें व्यक्त करना ही आलोचना है। तो कार्लाइल का यह कहना है किसी कृति को पढ़ने पर पाठक के मन में जो प्रभाव पड़ता है उसको व्यक्त करना ही आलोचना है। आलोचक का दायित्व तो है यह बताए कि किसी कृति को पढ़कर आलोचक के मन में व्यक्ति के मन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार की आलोचना प्रमाणिक नहीं कही जा सकती क्योंकि एक ही कृति किसी पाठक को अच्छी लग सकती है और किसी अन्य को सामान्य से प्रतीत होती है। जैसे एक ही कृति को अलग अलग पाठक पढ़ते हैं, अब हर पाठक का मानसिक स्तर अलग तरह का है, उनकी सोच अलग तरह की है, तो एक ही कृति को पढ़कर अलग अलग पाठकों को अलग अलग प्रभाव महसूस होता है। जैसे कि एक ही फिल्म को देखने आते हैं कोई, जैसे आर्ट मूवी देखने गए, कला फिल्म, कुछ लोगों को वह फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को वही फिल्म अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए इस प्रकार की जो आलोचना है कि एक पाठक को तो वह कृति बहुत अच्छी लगी लेकिन दूसरे पाठक को वह बोरिंग लगी, अच्छी नहीं लगी, तो इस प्रकार की आलोचना को, प्रभाववादी आलोचना को हम प्रामाणिक नहीं कह सकते। आईए रिचर्ड्स नाम के विद्वान है, यह तो संप्रेषण सिद्धांत दिया है, मूल्यवादी समीक्षक है, वैल्यूज को ज्यादा महत्व देते हैं। आईए रिचर्ड्स, आलोचना के रूप में कोई स्थापना करना वास्तव में मूल्यों के न्यायाधीश के रूप में स्थापना करना है। मतलब इनका दृष्टिकोण यह है कि किसी भी कृति की आलोचना मूल्यों के आधार पर होना चाहिए, वैल्यूज के आधार पर होना चाहिए। मतलब सामाजिक जो मापदंड है, जो वैल्यूज हैं, सत्य अहिंसा इत्यादि जो जीवन के मूल्य हैं, उन जीवन मूल्यों के आधार पर आलोचना के मापदंड निर्धारित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये इन्हें न्यायाधीश बना देते हैं आलोचक को, जो बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें जीवन मूल्य है कि नहीं। वे काव्य का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधारों पर करने के पक्षपाती थे। तो आईए रिचर्ड्स, इनका कहना है कि किसी काव्य कृति का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए और नैतिक आधार पर होना चाहिए। हडसन नाम के जो विद्वान हुए हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, इनका कहना है समीक्षा के द्वारा पाठक रचयिता की विशाल चित्त भूमि का भागीदार बन जाता है। मतलब वास्तव में कवि कोई रचना करता है तो साधारण जो पाठक होता है वह उसको समझ नहीं पाता, तो जो आलोचक होता है जब उसकी आलोचना लिखता है या समालोचना करता है तब जो आम पाठक है उस कविता को समझ जाता है। तो इस प्रकार समीक्षा के द्वारा पाठक कवि के मनोभावों को समझ जाता है कि किन भावनाओं से प्रेरित होकर, किस बात से प्रेरित होकर कवि ने इस कविता को लिखा है। तो इस प्रकार साधारणीकरण हो जाता है, मतलब जो कवि की जो चित्त भूमि है, जो मनोभाव है, जो मनोदशा है, वहां तक पाठक भी पहुंच जाता है और उसको समझ जाता है, उसका भागीदार बन जाता है, उसके फीलिंग्स और इमोशंस का भागीदार बन जाता है, सहभागी बन जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि पाठक के लिए आलोचना का विशेष महत्व है। तो आलोचना वह सेतु है जो पाठक और रचयिता के हृदय को जोड़ देती है। तो किसी भी समीक्षा को पढ़कर, किसी आलोचना को पढ़कर, समालोचना को पढ़कर जो पाठक होता है वह कवि के मनोभावों से, कवि के हृदय की दशा से, वह चित्त की दशा से वह पूरी तरह से परिचित हो जाता है, उसके हृदय की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ जाता है। इस प्रकार आलोचना वह सेतु है, वह ब्रिज है जो पाठक
और रचयिता को एक दूसरे से जोड़ देती है, जैसे पुल पुल जोड़ देता है नदी के दो किनारों को। आचार्य श्याम सुंदर दास इनका क्या कहना है जो भारतीय आलोचक हुए हैं, यदि साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि साहित्य जीवन की व्याख्या है, मतलब साहित्य में हमारा जीवन प्रतिबिंबित होता है, इसलिए साहित्य को क्या कहा जाता है, साहित्य को कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि साहित्य में हमारा समाज प्रतिबिंबित होता है, हमारा जीवन प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार साहित्य में जीवन की व्याख्या की जाती है। तो साहित्य यदि कोई यदि हम जीवन की व्याख्या मानते हैं तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा, मतलब यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना क्या है, उस व्याख्या की व्याख्या है, उसे और स्पष्ट करता है। साहित्य हमारे जीवन को स्पष्ट करता है और उसे और अधिक स्पष्ट करता है आलोचना। इस परिभाषा में व्याख्यात्मक आलोचना पर बल दिया गया है, मतलब किसी कृति की व्याख्या करना चाहिए, व्याख्यात्मक आलोचना किसी कृति की आलोचना व्याख्या करते हुए करनी चाहिए, इस पर बल दिया गया है। आलोचक निष्पक्ष होकर किसी कृति के विषय में यह व्याख्या करता है कि उसमें जीवन के विषय में क्या बात कही गई है, मतलब आलोचक बहुत ही तटस्थ रहता है, निष्पक्ष रहता है, अपनी आइडियोलॉजी को नहीं थोपता कि मैं तो मार्क्सवादी हूं, मैं तो मनोविश्लेषणवादी हूं, मैं तो छायावादी हूं, मैं प्रगतिवादी हूं, इस तरह के अपने आइडियोलॉजी को उस रचना पर नहीं थोपता, बल्कि वह निष्पक्ष होकर तटस्थ होकर किसी कृति की व्याख्या करता है और बताता है कि उसमें जीवन के विषय में क्या बात कही गई है, ताकि जब आम पाठक साधारण पाठक उसकी आलोचना को पढ़े तब वह कवि की मनोदशा से उसकी भावनाओं से परिचित हो सके, इस प्रकार वह उसकी व्याख्या करता है किसी कविता की काव्य की। तो यह है। और अब आलोचना का स्वरूप क्या, आलोचना की विशेषताएं क्या, हमने देखा कि अभी आलोचना की परिभाषाएं हमने देखी बहुत सारी, अब इससे आलोचना का क्या स्वरूप निकल कर आता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आलोक में आलोचना के स्वरूप और कार्य के विषय में निम्नलिखित तथ्यों का उद्घाटन होता है। ऊपर हमने जो तीन चार हमने जो परिभाषाएं देखी उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, आलोचना क्या है, वास्तव में आलोचना का क्या कार्य है। आलोचना किसी रचना के गुण दोषों का उद्घाटन करती है। आलोचना हमें यह बताती है कि इस रचना में कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है, कौन से गुण है, कौन से दोष है। आलोचना के द्वारा रचना का मूल्यांकन किया जाता है, आलोचना के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है कि यह हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कितनी मूल्यवान है, है ना। जैसे रामचरितमानस है, राम की शक्ति पूजा है, जैसे कामायनी है, तो इसमें रश्मि रथी है दिनकर की, तो इसके द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है कि यह हमारे समाज के लिए कितने सार्थक है, कितना वैल्यू है, कितनी मूल्यवान है यह कृति। आलोचना के द्वारा रचना की व्याख्या की जाती है और मन पर पड़े प्रभावों को व्यक्त किया जाता है। आलोचना के द्वारा रचना की व्याख्या भी की जाती है, जो आलोचक होता है रचना की व्याख्या करता है ताकि साधारण पाठक जो उसे कम पढ़ा लिखा है, जिसका कम ज्ञान है, वह भी उस कृति को पढ़कर उसका आनंद उठा सके, इसलिए वह उसकी व्याख्या करता है। और मन पर पड़े प्रभावों को व्यक्त किया जाता है, आलोचक के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा उसकी वह व्याख्या करता है, इसके बारे में बताता है कि भाई मेरे मन में यह प्रभाव पड़ा इसको पढ़कर, तो साधारण जो पाठक होता है वह भी समझ जाता है कि यह किस प्रकार की कृति है और मन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह है आलोचना रचना का भावन। भावन मतलब भाव को महसूस करना। आलोचना के द्वारा हम कविता के मूल भावों को कवि के मूल भावों का महसूस करते हैं, समझते हैं। या संसन, संसन करना मतलब प्रशंसा करना, करके कृतिकार के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। तो आलोचना का दो कार्य है यहां पर बताए गए। पहला तो यह है कि हम कवि की भावनाओं को या कविता में उसने जिस भावना को व्यक्त किया है उसको समझ पाते हैं, साधारण पाठक समझ पाता है, और दूसरा वह उसकी प्रशंसा भी करता है, और इसके माध्यम से वह जो कृतिकार है, जो लेखक या कवि है, उसकी उसके उद्देश्य को भी स्पष्ट करता है। यह आलोचना स्पष्ट करती है कि भाई इसका किस किन उद्देश्यों को लेकर कवि ने यह रचना लिखी है। अब आलोचना के भेद, आलोचना कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो आलोचना बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर हम महत्वपूर्ण प्रकारों को देखेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला होता है शास्त्रीय आलोचना। इस आलोचना के अंतर्गत आलोचक काव्य शास्त्र के नियमों को आधार बनाकर मूल्यांकन करता है। जैसे आपको मालूम है कि भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र जब हम कहते हैं, तो इस काव्य शास्त्र में जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो मापदंड बनाए गए हैं, इनके आधार पर किसी कृति का मूल्यांकन करते हैं, इसे कहा जाता है शास्त्रीय आलोचना। आलोचना की इस प्रणाली में आलोचक न तो व्याख्या करता है और न ही अपने मन पर पड़े प्रभावों को प्रस्तुत करता है। तो ये जो शास्त्रीय आलोचना में कवि यह नहीं बताता, किसी कृति की व्याख्या नहीं करता है,
और ना ही यह बताता कि इसके मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। आलोचक यह नहीं बताता, वह व्यक्तिगत रुचि को भी कृति के मूल्यांकन का आधार नहीं बनाता, अपितु काव्य शास्त्र के सिद्धांत की कसौटी पर किसी कृति की जांच परख करता है। यहां वह अपनी रुचियों को के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं करता कि उसे क्या पसंद है, आलोचक को क्या पसंद नहीं है, इसको भी वह मूल्यांकन का आधार नहीं बनाता किसी कृति का, बल्कि वह सिर्फ काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो नियम कानून है, काव्य शास्त्र काव्य सिद्धांत की जो कसौटी है, जो नियम कानून है, जो मापदंड है, उसके आधार पर किसी कृति की जांच परख करता है, उसकी आलोचना करता है। इसे कहा जाता है शास्त्रीय आलोचना। दूसरा होता है निर्णयात्मक आलोचना, किसी कृति के बारे में निर्णय सुना देना कि यह कृति अच्छी है, बुरी है, क्या है। इस आलोचना पद्धति में आलोचक एक न्यायाधीश की भांति आलोच्य कृति के विषय में अपना निर्णय देता है। तो यह जैसे जो जज है, जो न्यायाधीश है, वह किसी निर्णय सुनाता है, अपना सजा देता है, अच्छा जो भी है बरी करता है, वैसे ही इस आलोचना पद्धति में आलोचक की भूमिका न्यायाधीश की तरह होती है। वह कृति को पढ़ता है, उसकी आलोचना करता है और उसके संबंध में अपना निर्णय देता है। निर्णय के विषय में वह कभी तो शास्त्रीय सिद्धांतों को आधार बनाता है तो कभी व्यक्तिगत रुचि को, तो अपने मन से निर्णय नहीं करता। कभी कभी क्या करता है, पहले तो वह शास्त्रीय सिद्धांतों को आधार बनाता है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत है, भारतीय काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत है, उसके आधार पर कभी वह निर्णय देता है और कभी कभी वह व्यक्तिगत रुचि के आधार पर, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर भी वह मूल्यांकन करता है, आलोचना करता है। कभी लोकहित की दृष्टि से वह कृति का मूल्यांकन कर उसे अच्छा या बुरा घोषित करता है। कभी कभी वह देखता है कि इसकी इससे क्या लोकहित हो रहा है कि नहीं, लोगों का भला हो रहा है कि नहीं, समाज का भला हो रहा है कि नहीं, इसके आधार पर वह कृति का मूल्यांकन करता है, है ना, लोकहिताय बहुजन हिताय है कि नहीं। और कभी कृति की परीक्षा नवीन सिद्धांतों के आधार पर करके अपना निर्णय देता है। एक तो हमारे प्राचीन नियम कानून हो गए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र के, और जो नई समीक्षा प्रणाली आई है उसके आधार पर भी, नए सिद्धांत जो आए उसके आधार पर एक अभिवन निर्णय अपना निर्णय देता है। वह कृतियों को सुंदर, असुंदर, असुंदर मतलब खराब, उत्तम, मध्यम, अधम आदि श्रेणियों में वर्गीकृत कर साहित्य में उसका स्थान निर्धारित करता है। तो इस प्रकार जो निर्णयात्मक आलोचना है उसमें जो आलोचक होता है वह किसी कृति को अच्छा बताता है, बुरा बताता है, अधम घटिया बताता है, अच्छा बताता है, अलग अलग कैटेगरी में उसको विभाजित कर देता है और साहित्य में उसका स्थान निर्धारित करता है। कुछ विद्वानों ने इस आलोचना पद्धति का भी खंडन किया है और उनका तर्क है कि आलोचक का कार्य कृति की व्याख्या कर उसके सौंदर्य का उद्घाटन करना है, जिससे सामान्य पाठकों को उस कृति का अध्ययन करने में सहायता मिल सके। न्यायाधीश की भांति निर्णय करना आलोचक का धर्म नहीं है। तो बहुत सारे विद्वानों ने निर्णयात्मक आलोचना को गलत बताया। उनका कहना है कि आलोचक का काम क्या है, कि वह कृति की व्याख्या करे और उसके सौंदर्य का उद्घाटन करे, ताकि जो साधारण पाठक है वह उस कृति को अध्ययन करने में उसे सहायता मिल सके, वह भली भांति उस कृति को समझ पाए। और वह न्यायाधीश की भांति अपना जजमेंट देना, निर्णय सुनाना आलोचक का कार्य नहीं होना चाहिए। और हिंदी में जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो आलोचना है उसे हम निर्णयात्मक आलोचना की श्रेणी में रख सकते हैं। इसे निर्णयात्मक आलोचना कही जाती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना को। बाबू गुलाब राय जी ने कहा है कि यदि निर्णय शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर किया गया हो तब तो उचित है, अन्यथा व्यक्तिगत रुचि या रुचि के आधार पर किया गया निर्णय युक्ति संगत नहीं हो सकता, इसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। बाबू गुलाब राय जी का कह रहे हैं यदि किसी कृति की आलोचना शास्त्रीय सिद्धांतों, काव्य सिद्धांतों, चाहे पाश्चात्य अथवा भारतीय, इन सिद्धांतों के आधार पर हम करें तब तो ठीक है, लेकिन यदि हम पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर किसी कृति की आलोचना करते हैं, कोई आलोचक अपनी निजी अभिरुचियों, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर करता है, रुचि अरुचि के आधार पर करता है, तब हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, इसे युक्ति संगत नहीं कह सकते, सही नहीं कह सकते, यह सही नहीं हो सकती ऐसी आलोचना। व्याख्यात्मक आलोचना नाम से स्पष्ट है कि इसमें व्याख्या की जाती है कृति की, तो शास्त्रीय नियमों से मुक्त होकर, सभी प्रकार के नियम कानून मापदंड से मुक्त होकर कृति की व्याख्या करने का प्रयास ही व्याख्यात्मक आलोचना है। मतलब व्याख्यात्मक आलोचना में कोई नियम कानून काम नहीं आते, कोई मापदंड काम नहीं आते, बल्कि वह जो आलोचक होता है वह कृति की व्याख्या करने का प्रयास करता है। रूढ़िवादी आलोचकों के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर जो आलोचना होती है उसमें कृति के सौंदर्य का उद्घाटन नहीं हो पाता, अतः कृति का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता। अब पुराने जो नियम कानून है भारतीय काव्य शास्त्र के, प्राचीन संस्कृत काव्य शास्त्र के, उन नियम कानून को हम आज के हिंदी साहित्य अथवा हिंदी कविता पर लागू करते हैं, तो वास्तव में हम जो आलोचक है वह कृति के सौंदर्य का उद्घाटन नहीं कर सकता है। इसलिए अभी के समय में जो कृति लिखी गई है उसका मूल्यांकन
प्राचीन नियम कानून के आधार पर, प्राचीन काव्य शास्त्र के नियमों के आधार पर नहीं कर सकते। इससे कृति का न तो सही ढंग से मूल्यांकन हो सकता है और न ही उसके सौंदर्य का उद्घाटन हो सकता है। तो व्याख्यात्मक आलोचना में क्या होता है? आलोचक व्यक्तिगत रुचि अरुचि, अपने निजी इंटरेस्ट को भूलकर कि उसे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, इसको दूर रख करके वह निरपेक्ष दृष्टि से कृति की व्याख्या करता है, उसे एक्सप्लेन करता है, जिसमें वह इतिहास, ऐतिहासिक परिस्थितियां कौन सी है जिसमें यह कृति लिखी गई, तत्कालीन परिस्थितियां कौन सी थी जिसमें यह कृति लिखी गई, प्रतिपाद्य विषय क्या है, प्रतिपाद्य विषय मतलब जिस विषय को कवि समझाना चाहता है, और प्रतिपाद्य शैली, जिस शैली को वह समझाना चाहता है, जिस शैली में वह लिखना चाहता है या जिस शैली में उसने लिखा है, इन सभी चीजों का वह विश्लेषण करता है, इस पर विचार विमर्श करता है, इसकी व्याख्या करता है। अब एक युग के नियम दूसरे युग में खड़े नहीं उतर सकते, इसलिए इस प्रणाली से आलोचना करने वाले आलोचक को अपने मापदंड लचीले बनाने पड़ते हैं। अब जैसे एक युग में जो मापदंड बनाए गए हैं, एक युग में जो नियम कानून बनाए गए हैं, अब वो दूसरा युग आ गया तब ये नियम कानून काम आने वाले नहीं है, इसलिए जो आलोचक होता है तो जो व्याख्या करने के समय वह लचीला मापदंड अपनाता है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम नहीं अपनाता। तो व्याख्यात्मक आलोचना को प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? डॉक्टर मूल्टन को है। कार्लाइल और मैथ्यू अर्नाल्ड ने भी व्याख्यात्मक आलोचना को लोकप्रिय बनाया। ये तो पाश्चात्य काव्य शास्त्री है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। तीनों ने व्याख्यात्मक आलोचना की वकालत की है और हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे आलोचक हुए हैं जिन्होंने व्याख्या भी की, जैसे इन्होंने तुलसीदास, सूरदास और जायसी की आलोचना करते हुए इन्होंने व्याख्यात्मक आलोचना पद्धति का आश्रय लिया है। यह आपको उदाहरण भी जानना जरूरी है। अब सैद्धांतिक आलोचना क्या होती है? साहित्य रचना से संबंधित आधारभूत सिद्धांतों का निर्माण इस आलोचना पद्धति के द्वारा किया जाता है। रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ हैं। तो आपने देखा होगा रीति काल में जो लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे या रीति ग्रंथ लिखे जा रहे थे, यह सैद्धांतिक आलोचना के उदाहरण है, क्योंकि उस समय पहले लक्षण ग्रंथों की रचना की जाती थी, रीति ग्रंथों की रचना की जाती थी, नियम कानून बनाए जाते थे और इन नियम कानून के आधार पर, इन मापदंडों के आधार पर कृतियों का मूल्यांकन किया जाता था, उनकी आलोचना की जाती थी। इसे कहा जाता है सैद्धांतिक आलोचना। पहले सिद्धांतों का आलोचना के सिद्धांतों का निर्माण करना, उसके बाद उसके आधार पर कृतियों की आलोचना करना। आलोचक अपनी प्रतिभा के आधार पर तथा प्राचीन पद्धति ग्रंथों के आधार पर काव्य रचना संबंधित मूलभूत सिद्धांतों का निर्माण करता है और उसी के आधार पर किसी कृति की आलोचना करता है। अब वो प्राचीन कृतियों को पढ़ता है या प्राचीन नियम कानून को पढ़ता है, उसके आधार पर पढ़कर वह अपने नियम बनाता है और उस आधार पर वह किसी कृति की आलोचना करता है। तो सैद्धांतिक आलोचना एक प्रकार से शास्त्रीय पक्ष है, मतलब यह कौन सा पार्ट है? प्रैक्टिकल नहीं है, यह थियोरेटिकल पार्ट है। सिद्धांत निर्माण करने वाले आलोचक को केवल परंपरा से प्राप्त सिद्धांतों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, अपितु उसे नवीन सिद्धांतों का निर्माण नए आधार पर करना चाहिए। तो जो आलोचक सैद्धांतिक आलोचना के आधार पर आलोचना करना चाहते हैं तो उनको सिर्फ पुराने नियम कानून पर ही नहीं अटके रहना चाहिए, बल्कि उन्हें समय के हिसाब से नए नियम कानून, नए मापदंडों का निर्माण करना चाहिए, जिसके आधार पर किसी साहित्यिक कृति का मूल्यांकन किया जा सके, उसकी आलोचना किया जा सके और इसके लिए नए सिद्धांतों का निर्माण उसे करना चाहिए। संस्कृत काव्य शास्त्र में आपको पता है कि सैद्धांतिक आलोचना पर्याप्त विकसित थी, मतलब थ्योरेटिकल जो पार्ट था उसमें सिद्धांतों के आधार पर जो आलोचना की जाती थी वह पर्याप्त विकसित थी, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ उसमें उपलब्ध थे, जैसे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, आनंदवर्धन का काव्यालोक। आनंदवर्धन का क्या है? काव्यालोक। ये ऐसे ही ग्रंथ हैं। अब हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रस मीमांसा, डॉक्टर नगेंद्र का रस सिद्धांत, बाबू गुलाब राय का काव्य स्वरूप, भगीरथ मिश्र का भारतीय काव्य शास्त्र सैद्धांतिक आलोचना के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये प्रमुख ग्रंथ हैं सैद्धांतिक आलोचना के, जिसमें उन्होंने सिद्धांतों का निर्माण किया है जिसके आधार पर कृतियों की आलोचना की जा सके। अब पांचवा है ऐतिहासिक आलोचना। ऐतिहासिक आलोचना क्या होती है? साहित्यकार की रचना अपने युग से प्रभावित होती है, मतलब कोई भी साहित्यकार जब साहित्यिक कृति की रचना करता है तो वह अपने युग से, अपने समय से प्रभावित होता है। अतः ऐतिहासिक आलोचना समीक्षा की वह पद्धति है जिसमें कोई आलोचक तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण कर उनकी पृष्ठभूमि में किसी लेखक की रचनाओं की परीक्षा करता है। जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे गोदान पढ़ेंगे तो उस समय जो सामंतवादी प्रथा थी या फिर जो जमींदारी प्रथा थी, तो उसके आधार पर उन्होंने उसको लिखा,
वैसे दिनकर जी की रश्मि रथी है, राम की शक्ति पूजा है, और भी विभिन्न प्रकार की रचनाओं को आप देखेंगे, जैसे महिला अंचल है, परिसरनाथ रेणु का महिला अंचल है, राग दरबारी ऐसी जलसुक लगा, तो उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रखकर उसकी आलोचना की जानी चाहिए। तो जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर, तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी कृति की आलोचना की जाती है, तब उसे कहा जाता है ऐतिहासिक आलोचना। उदाहरण के लिए जैसे राम काव्य, भगवान राम के जीवन पर आधारित जो विभिन्न प्रकार के काव्य लिखे गए, जैसे वाल्मीकि की जो रामायण है जो संस्कृत में लिखी गई है, तुलसीदास की क्या है रामचरितमानस है, मैत्री चरणगुप्त की साकेत है, तो ये विभिन्न प्रकार की कृतियां हैं, लेकिन इनमें आधारभूत अंतर क्या है, इनमें मौलिक अंतर है जो तद्युगीन परिस्थितियों की उपज है। ये अलग अलग कालखंड में लिखी गई रचनाएं हैं, भले ही भगवान राम के जीवन पर ही आधारित है, लेकिन ये अलग अलग कालखंड में लिखी गई है जिनमें उनकी ऐतिहासिक परिस्थितियों का, युगीन परिस्थितियों का पर्याप्त प्रभाव है। जब तक युगीन इतिहास को समझा नहीं जाता तब तक उसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इन कृतियों की आलोचना करते समय हमको इतिहास बोध होना चाहिए, उस इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, तद्युगीन परिस्थितियों की जानकारी होनी चाहिए जिन परिस्थितियों में यह रचनाएं लिखी गई, तभी उसके सही ढंग से व्याख्या हो सकती है। आधुनिक युग में ऐतिहासिक आलोचना का पर्याप्त विकास हुआ है। समालोचना की इस पद्धति ने समीक्षा को एक नई दिशा दी। अन्य प्रणालियों के आलोचक भी किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक आलोचना का आधार ग्रहण करने लगे हैं। तो ऐतिहासिक आलोचना बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना है, क्योंकि जब तक हम किसी लेखक अथवा कवि की तद्युगीन परिस्थितियों का अध्ययन नहीं करते कि किस कालखंड में वह रचना लिखी गई है, उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियां कैसी थी, तब तक हम उस कृति का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर सकते, सही ढंग से आलोचना नहीं कर सकते, इसलिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य के जैसे इतिहास ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया, जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए, इसी प्रणाली के आधार पर लिखे गए, लेकिन इस आलोचना पद्धति में एक कमी भी है, एक त्रुटि भी है, और वह यह है कि इसमें युगीन परिस्थितियों के विश्लेषण को इतना अधिक विस्तार मिल जाता है कि कवि और उसकी कृतियों की उपेक्षा हो जाती है। तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि उस समय की जो परिस्थितियां हैं, तद्युगीन परिस्थितियां हैं, ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं, धार्मिक राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक इत्यादि परिस्थितियों का इतना ज्यादा विवेचन और विश्लेषण कर दिया जाता है कि कवि और उसकी कृति की उपेक्षा हो जाती है, मतलब ज्यादा जोर परिस्थितियों पर डाल दिया जाता है, महत्व दे दिया जाता है, और कवि और उसकी कृति की उपेक्षा हो जाती है, यह कमी है। मनोवैज्ञानिक आलोचना बताएं आपको, मनोवैज्ञानिक आलोचना का अभिप्राय है मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में किसी कृति की समीक्षा करना। जैसे आप शेखर एक जीवनी की समीक्षा करते हैं तो मनोविश्लेषण के आधार पर करेंगे, तो मनोवैज्ञानिक जो नियम कानून है, मनोवैज्ञानिक जो मापदंड है, मनोविश्लेषण या मनोविज्ञान, उसके आधार पर जब हम किसी कृति की आलोचना करते हैं या उसकी समीक्षा करते हैं तब इसे कहा जाता है मनोवैज्ञानिक आलोचना। फ्रायड नाम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इनका मानना है, ये मनोविश्लेषणवादी हैं, कि कला का जन्म वासना से होता है, मतलब हमारे मन में जो वासनाएं विद्यमान है, विशेष रूप से काम की जो इच्छा है, इसी से कला का जन्म होता है। हमारी कुंठाएं और अतृप्त वासनाएं जो अवचेतन में पड़ी रहती हैं, जाने अनजाने कला या स्वप्न के माध्यम से व्यक्त हो जाती हैं। तो फ्रायड का क्या कहना है, कला का जन्म, किसी भी कला का जन्म वासना से होता है, विशेष रूप से सेक्सुअल डिजायर। हमारी कुंठाएं, हमारे मन में जो कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे हीनता की ग्रंथि है, चाहे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, चाहे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो हमारे मन में, है ना, चाहे श्रेष्ठता की ग्रंथि हो, चाहे हीनता की ग्रंथि हो, और अतृप्त वासनाएं, वो काम वासनाएं, वो इच्छाएं जो अतृप्त हो गई, जो हमारे मन में अतृप्त रूप से विद्यमान है, हमारे अवचेतन मन में जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई, जो वासनाएं तृप्त नहीं हो पाए, वो हमारे अवचेतन में पड़ी रहती है, और कभी कभी वे जाने अनजाने कला या स्वप्न के माध्यम से व्यक्त होती है। तो या तो हम उन्हें स्वप्न में देखते हैं, या फिर हम कोई कविता लिखते हैं, या फिर कोई चित्र बनाते हैं, तो यह है, तो मतलब ये जाने अनजाने कला या स्वप्न के माध्यम से व्यक्त होती है। अतः हमें किसी साहित्यिक कृतिकार के अंतर्मन और स्वभाव का मनोविश्लेषण करना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना के अंतर्गत यह माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक आलोचना के अंतर्गत किसी साहित्यकार अथवा कृतिकार के अंतर्मन, उसके मन की भावनाएं कौन सी है, उसके अवचेतन में कौन सी भावनाएं विद्यमान है, और उसका स्वभाव कैसा है, इसका विश्लेषण किया जाना अपेक्षित होता है। यह आलोचना पद्धति साहित्य को सामाजिक कर्म न मानकर वैयक्तिक कर्म मानती है, और कवि के आंतरिक व्यक्तित्व के संबंध में कृति का विश्लेषण और भावन करती है। तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, इसमें मनोवैज्ञानिक आलोचना के अंतर्गत यह माना जाता है कि कवि का जो कार्य है, साहित्यकार का जो कार्य है, वह सामाजिक कार्य नहीं है, वह समाज के लिए नहीं लिख रहा है, बल्कि वह केवल व्यक्तिगत कार्य है,
वह अपनी निजी अनुभूतियों को, निजी मनोभावों को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे हैं। अब उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि समाज का उससे भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है, सिर्फ वह निजी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहा है। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना इसको समझाने का प्रयास करती है कि कवि की निजी अनुभूतियां क्या है, उसके फीलिंग्स और इमोशंस क्या है, है ना, किस प्रकार का उसका स्वभाव है, अंतर्मन कैसा है। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना में मनोविश्लेषण के आधार पर रचना की केवल परीक्षा नहीं होती, अपितु रचनाकार की मानसिक स्थितियों का विश्लेषण और उसके व्यक्तित्व का भी अध्ययन भी होता है। वस्तुतः इस प्रणाली में काव्य रचना की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना में पहले किसी कृति की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आलोचना की जाती है, जैसे शेखर एक जीवनी का मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, जैसे इडिपस कॉम्प्लेक्स वगैरह है। इडिपस कॉम्प्लेक्स मतलब जो पुत्र होता है वह माँ की ओर ज्यादा आकर्षित होता है, जो बेटी होती है वह पिता की ओर ज्यादा आकर्षित होती है। तो इस प्रकार उस रचना का उस दृष्टिकोण से अध्ययन होता है, मनोविश्लेषणवाद के आधार पर उसका अध्ययन होता है। इसके साथ ही साथ कवि के व्यक्तित्व का भी इसमें विश्लेषण किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना के अंतर्गत न केवल कृति का मनोवैज्ञानिक अथवा मनोविश्लेषण के आधार पर विवेचन और विश्लेषण किया जाता है, बल्कि रचनाकार कृतिकार के व्यक्तित्व का भी विश्लेषण किया जाता है। ओवरऑल हम कहें तो इसमें वास्तव में काव्य की रचना की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, इसका विश्लेषण किया जाता है। और इस आलोचना पद्धति का सबसे बड़ा दोष क्या है कि यह साहित्य को कुंठाजनित मानती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है। तो वास्तव में इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें यह माना जाता है जो साहित्य है, साहित्य का सृजन क्यों होता है, क्योंकि कवि के अंदर, साहित्यकार के अंदर जो कुंठा है, जो कॉम्प्लेक्स है, वही साहित्य के रूप में बाहर निकलता है। जो उसके मन में जो वासना विद्यमान है, जो कुंठाएं हैं, जो ग्रंथियां हैं, वही साहित्य के रूप में अथवा कला के रूप में बाहर निकलती है। लेकिन हमेशा यह जरूरी थोड़ी है कि उसकी कुंठाएं ही बाहर निकले। सच्चा कवि तो अपने हृदय को लोक हृदय में लीन कर देता है। अतः यह कहना तर्कसंगत होगा कि इस आलोचना पद्धति से निकाले गए निष्कर्ष भ्रामक है। तो वास्तव में सच्चा कवि क्या होता है? अपने निजी अनुभूतियों को आम जनता की अनुभूति बना देता है। जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस को आप जब पढ़ते हैं, या फिर आप राम की शक्ति पूजा को पढ़ते हैं निराला जी की, तो कवि की जो अनुभूतियां हैं, या फिर जो सूरदास जी हैं, उन्होंने जो वात्सल्य वर्णन किया है कृष्ण के प्रति, उन्होंने माता यशोदा के मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वात्सल्य रस का जो उन्होंने सृजन किया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो बाल कृष्ण है वे केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं है, बल्कि सभी पाठकों और सुनने वालों के भी पुत्र बन गए। तो वास्तव में सच्चा कवि वह होता है कि वह अपने हृदय को लोक हृदय में लीन कर देता है, साधारणीकरण कर देता है अपनी भावनाओं को, या फिर लोगों की भावनाओं को क्या कर देता है, साधारणीकरण कर देता है, अपनी भावनाओं के साथ मिला देता है। तो यह कहना ज्यादा उचित है कि इस प्रकार से निकाले गए निष्कर्ष मनोविश्लेषणवादी आलोचना के आधार पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वह भ्रामक होंगे। अब प्रभाववादी आलोचना क्या है? प्रभाववादी आलोचना मतलब क्या प्रभाव पड़ता है किसी कृति को पढ़कर, किसी कविता को पढ़कर, किसी साहित्य को पढ़कर पाठक के मन में अथवा जो सुनने वाला श्रोता के मन में क्या प्रभाव पड़ता है। इस आलोचना पद्धति में आलोचक कृति का विश्लेषण या विवेचन नहीं करता है, बल्कि केवल अपने मन पर पड़े हुए प्रभाव तरंगों को व्यक्त करता है। आलोचक अपने हृदय पर पड़े हुए प्रभावों से बच ही नहीं सकता, अतः तटस्थ होकर आलोचना करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मतलब कोई भी आलोचक हो, जब किसी कृति को जब वो पढ़ता है तो उसके मन पर जो प्रभाव पड़ेगा तो उसके प्रति वह तटस्थ नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति तटस्थ नहीं रह सकता। इसीलिए जो प्रभाववादी आलोचना है उसमें प्रभाव पर बल दिया जाता है और वह बताता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है और क्या प्रभाव पड़ेगा पढ़ने वाले अथवा सुनने वाले के ऊपर। तो हडसन नाम के जो विद्वान है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, उनका कहना है प्रभाववादी आलोचना की इन्होंने विशेष महत्व दिया है। और वे कहते हैं वास्तव में हम किसी कृति के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हैं, अर्थात अपने मन पर पड़े प्रभावों को ही सामने रखते हैं। तो वास्तव में जो आलोचक होता है, वास्तव में आलोचक के मन पर किसी कृति का क्या प्रभाव पड़ा उसी के संबंध में वह विचार व्यक्त करता है। प्रभाववादी आलोचना में भी सबसे बड़ी कमी है और वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि भिन्नता के कारण एक ही रचना के बारे में अलग अलग राय व्यक्त करता है, इसलिए आलोचना में प्रामाणिकता नहीं रहती। ऐसा लगता है कि आलोचक अपनी रुचि को पाठकों पर थोपने का प्रयास कर रहा है। जैसे एक ही फिल्म को, एक ही मूवी को अलग अलग व्यक्ति देखते हैं और उनके मन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो वैसे ही प्रभाववादी आलोचना की सबसे बड़ी कमी है कि जितने भी प्रभाववादी आलोचक हैं, जब वे किसी कृति को पढ़ेंगे तो हर आलोचक के मन में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, अपनी रुचियों और अभिरुचियों के आधार पर वे इसे महसूस करेंगे, उसकी अच्छाई और बुराई को, इसलिए वे उस रचना के बारे में अपनी अलग अलग राय व्यक्त करेंगे। इसीलिए इसकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि आलोचक जो है वह
पाठकों पर अपने विचारों को, अपनी रुचियों को थोपने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यह प्रभाववादी रचना कब उपयोगी बन सकती है? जब उस पर कुछ नियंत्रण लगा दिया जाए, कुछ उस पर अंकुश लगा दिया जाए। व्यक्तिगत रुचि के आधार पर किसी कृति की निंदा अथवा प्रशंसा से बचते हुए रचना के मार्मिक और प्रभावशाली पक्ष का उद्घाटन करना ही सच्ची प्रभाववादी आलोचना है। हिंदी में श्री शांतिप्रिय द्विवेदी इसी कोटि के आलोचक है। मतलब अपने पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर, अपनी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर जो आलोचक है वह न तो किसी कृति की निंदा करे और न ही प्रशंसा करे, बल्कि वह किसी कृति के मार्मिक पक्षों का उद्घाटन करे। मार्मिक पक्ष मतलब जैसे लक्ष्मण जी को जो बाण लगता है ना, वह मूर्छित हो जाते हैं, या पंचवटी प्रसंग है भगवान राम का, तो ऐसे मार्मिक पक्षों का उद्घाटन करे। भगवान राम का वनगमन है रामचरितमानस में, तो ऐसे प्रभावशाली पक्षों का उद्घाटन करना ही प्रभाववादी आलोचना है। और हिंदी में जो श्री शांतिप्रिय द्विवेदी है प्रभाववादी आलोचक है। प्रगतिवादी आलोचना, अब जानते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। तो इस आलोचना पद्धति के जनक कौन है? मैक्सिम गोर्की है। और इस आलोचना का आधार है समाजवादी यथार्थवाद। समाजवादी यथार्थ मतलब, समाजवादी मतलब समाजवाद की स्थापना जहां कोई शोषक ना हो, कोई शोषित ना हो। वर्ग संघर्ष की पृष्ठभूमि में किसी कृति की परिचय आलोचना करना प्रगतिवादी आलोचना है। मतलब मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर जब किसी कृति की आलोचना करते हैं तब इसे कहा जाता है प्रगतिवादी आलोचना। तो मार्क्सवाद के अनुसार समाज में हमेशा से दो प्रकार के वर्ग रहे, शोषक और शोषित। तो इनके अनुसार जो कृति शोषण का विरोध करती है, जन सामान्य के लिए हितकर है, जो मार्क्सवादी सिद्धांतों का प्रचार करती है, वह उतनी श्रेष्ठ कृति है। प्रगतिवादी आलोचना में यह माना जाता है कि वह कृति जो शोषण का विरोध करती है, जो लोगों के लिए हितकारी है, हितकर है, और जो मार्क्सवाद के सिद्धांतों का प्रचार करती है, वही कृति श्रेष्ठ है। इस प्रकार प्रगतिवादी आलोचना में साहित्य की सामाजिक उपयोगिता को ही एकमात्र मापदंड बनाया गया है। इसमें भी एक कमी है, मतलब जो कृति समाज के लिए उपयोगी है वही श्रेष्ठ है, वही एकमात्र मापदंड है। तो एकांगी दृष्टिकोण है, निश्चय यह दृष्टिकोण एकांगी है और काव्य के मान्य सिद्धांतों की उपेक्षा करने वाली है। मतलब ये साहित्य जो उपयोगी होना चाहिए, आनंद प्रदान, आनंद दे या न दे, तो इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वह उपयोगी होना चाहिए समाज के लिए। तो यह भी साहित्य या काव्य के जो मान्य सिद्धांत है उसकी उपेक्षा करती है। मान्य सिद्धांत क्या है साहित्य अथवा काव्य का? वह उपयोगी भी हो और लोगों को आनंद भी प्रदान करे, उसके मन में जो दुर्गुण है उनको भी दूर करे, है ना, उसमें मूल्यों की स्थापना करे, जीवन मूल्यों को, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं साहित्य के। तो मार्क्सवादी साहित्य, मार्क्सवादी आलोचक कौन कौन से हैं? प्रगतिवादी आलोचक। इन्हें प्रगतिवादी आलोचना को मार्क्सवादी आलोचना भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। श्रीधान सिंह चौहान, नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्रगुप्त आदि प्रगतिवादी आलोचक हैं, मार्क्सवादी आलोचक अथवा प्रगतिवादी आलोचक। तो राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। नवा तुलनात्मक आलोचना। तुलनात्मक आलोचना नाम से स्पष्ट है कि तुलना करना। तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से हुआ। इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक है और यह कई प्रकार की हो सकती है। अब तुलना तो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि दो काव्य प्रवृत्तियों की तुलना करना, जैसे छायावाद और प्रगतिवाद की तुलना करना, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की तुलना करना, यह हो गया। एक युग के दो कवियों की तुलना करना, एक युग के जो दो कवि हैं, जैसे आप निराला जी और उनकी तुलना करना, महादेवी वर्मा जी की तुलना, एक ही युग के दो कवियों की तुलना, विभिन्न युगों के कवियों की तुलना करना। अब आप तुलसीदास जी और निराला जी की तुलना कर रहे हैं, है ना, तो यह हो गया विभिन्न युगों के कवियों की तुलना करना। अलग अलग भाषाओं के दो कवियों की तुलना करना, जैसे कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और इधर हिंदी में सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इन दोनों की आप तुलना कर रहे हैं। एक ही कवि की दो कृतियों की तुलना करना, अब एक ही कवि की दो कृतियां हैं, जैसे निराला जी की राम की शक्ति पूजा और दूसरा है तुलसीदास, इन दोनों के एक ही कवि की दो कृतियों की तुलना करना। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार से आप तुलनात्मक आलोचना कर सकते हैं। तुलनात्मक आलोचना में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तुलना करने के लिए समान आधारों की खोज करनी चाहिए, तभी तुलना सार्थक होगी। मतलब जिस आधार पर तुलना की जा रही है वे समान होने चाहिए। जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य में जो रहस्यवाद है, और सुमित्रानंदन पंत के काव्य में यदि रहस्यवाद है, या फिर महादेवी वर्मा जी के काव्य में जो रहस्यवाद है, इसकी तुलना करें, यह है। तुलना में भी विवेचन और विश्लेषण ही करना चाहिए, निर्णय देना उचित नहीं है। यहां पर भी निर्णय नहीं देना चाहिए,
निर्णयात्मक आलोचना नहीं होनी चाहिए बल्कि इसमें भी विवेचन और विश्लेषण करना चाहिए, उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। हिंदी में इस वर्ग के आलोचक हैं लाला भगवान दीन और पद्मसिंह शर्मा। तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं वे हैं लाला भगवान दीन और पद्मसिंह शर्मा। और आलोचना की उपयोगिता और उद्देश्य, आलोचना की क्या उपयोगिता, आलोचना की जरूरत क्यों पड़ती है और आलोचना का उद्देश्य क्या होता है, क्या आलोचना बहुत जरूरी है साहित्य के लिए, तो आइए देखते हैं। आलोचना के उद्देश्य पर हम तीन दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं, तीन दृष्टियों से आलोचना के उद्देश्य अथवा उपयोगिता पर हम तीन प्रकार से विचार कर सकते हैं। पहला है कवि की दृष्टि से, कवि के दृष्टिकोण से देखें तो आलोचना की क्या उपयोगिता है या उद्देश्य है। पाठक या श्रोता की दृष्टि से आलोचना की क्या उपयोगिता अथवा उद्देश्य है। और तीसरा मूल्यांकन की दृष्टि से आलोचना का क्या उद्देश्य है अथवा उपयोगिता है। सबसे पहले देखते हैं कवि की दृष्टि से। कवि को दृष्टि में रखकर जब हम आलोचना के उद्देश्य पर विचार करते हैं तो निम्न तथ्य सामने आते हैं, मतलब कवि का इससे क्या हित होता है, कवि के दृष्टिकोण से क्या फायदा है। तो पहला है आलोचना किसी कवि की रचना के गुण दोषों का उद्घाटन करती है जिसे जानकर कवि सजग हो जाता है और अपनी अगली रचना में उन दोषों का समावेश करने से बचता है। आलोचना के माध्यम से यदि सही ढंग से आलोचना की गई है तब उस आलोचना को पढ़कर कवि को पता चल जाता है कि उसके कविता में, उसके काव्य में क्या गुण है और क्या दोष है। तो गुण है तो ठीक है, लेकिन जिन दोषों के बारे में उसे पता चलता है वह उन दोषों का निवारण करने का प्रयास करता है और आगे जो रचना लिखता है वह उन दोषों को दूर कर लेता है ताकि वे दोष उसकी अगली कविताओं में ना आए। पहला तो यह हो गया, उसको पता चल जाता है कि इसे क्या कमी है। दूसरा, आलोचना के माध्यम से काव्य में निहित गुणों की विस्तृत चर्चा की जाती है, इससे कवि को सत्काव्य निर्माण की प्रेरणा मिलती है। इसमें कवि को यह भी पता चल जाता है कि क्या अच्छी बात उसने लिखी है, उसमें क्या गुण है, क्या अच्छाइयां हैं, तो इससे उसे प्रेरणा मिलती है कि वह और भी अच्छे काव्य का सृजन करे। काव्य का सच्चा मर्मज्ञ आलोचक ही होता है, वह कवि के अंतर्मन में प्रवेश कर मार्मिक अनुभूतियों का उद्घाटन करता है। क्योंकि आलोचक बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति होता है, जब वह तटस्थ भाव से आलोचना करता है तब वह किसी काव्य का सही दृष्टिकोण से मूल्यांकन करता है, उसको समझता है, कवि की भावभूमि में प्रवेश करता है, उसके अंतर्मन में प्रवेश करता है और उस काव्य की जो मार्मिक अनुभूतियां हैं, जो इमोशनल हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो कवि के उसको उसका वह उद्घाटन करता है कि उस समय कवि ने किस प्रकार की भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो जिस प्रकार हवा चंदन की सुगंध को वातावरण में फैला देती है, उसी प्रकार आलोचक अपनी आलोचना से कवि के यश का प्रसार करता है। मतलब कवि ने तो अपना काव्य सृजन कर दिया, लेकिन उसको लोगों को समझाना, लोगों तक पहुंचाना, उसकी व्याख्या करना, उसके मार्मिक पक्ष का उद्घाटन करने का कार्य करता है आलोचक। तो इस प्रकार वो जो आलोचक होता है वह कवि के यश का, उसकी कीर्ति का प्रचार प्रसार करता है जिससे आम लोगों में वह लोकप्रिय होता है। अब हम पाठक या श्रोता के दृष्टिकोण से देखते हैं कि उसको क्या फायदा होता है पाठक या श्रोता को आलोचना से। पाठक या श्रोता के दृष्टि से आलोचना की विशेष उपादेयता है, उपयोगिता है, आइए देखते हैं कैसे। पहला, सामान्य पाठक काव्य के मर्म से परिचित नहीं होता। मतलब जो सामान्य पाठक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है बहुत गहराई से नहीं समझ सकता किसी कविता या काव्य को। आलोचक अपनी प्रतिभा के बल पर कृति की व्याख्या करता है और मानविक तथ्यों का उद्घाटन कर पाठक को कवि की कृति से भली भांति परिचित कराता है। इस प्रकार कवि और पाठक के बीच में आलोचक मध्यस्थ बनता है। कोई भी पाठक, साधारण पाठक किसी काव्य को पढ़कर उसको भली भांति समझ नहीं सकता, वह ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान तो होता नहीं है, लेकिन जो आलोचक होता है बहुत ज्यादा विद्वान और पढ़ा लिखा होता है, इसलिए वह उसकी व्याख्या करता है, मार्मिक पक्षों का उद्घाटन करता है और कवि के फीलिंग्स और इमोशन से पाठक को भली भांति परिचित कराता है। तो आलोचक के माध्यम से वह कवि की भावनाओं को अच्छे ढंग से समझ पाता है। और इस प्रकार जो आलोचक होता है वह कौन होता है, कवि और पाठक के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, दुभाषिया अथवा अनुवादक की भूमिका निभाता है, क्योंकि वह उसकी कृति की व्याख्या करता है। तो दोनों के बीच वह सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। आलोचक पाठक और कवि के बीच में एक सेतु का काम करता है, मध्यस्थ का काम करता है। यह हो गया। और दूसरा, क्या फायदा होता है पाठक को आलोचना से। आलोचना पाठक की रुचि का परिष्कार करती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी जितनी समझ आलोचक को होती है उतनी पाठक को नहीं होती। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आलोचक बहुत विद्वान होता है, बहुत सारी बातों का जानकार होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, तो वह पाठक को यह बताता है कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इससे जो पाठक की जो रुचि है परिष्कृत होती है, वह अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, यह साहित्य खराब है, यह साहित्य अच्छा है, मुझे यह साहित्य पढ़ना चाहिए। तो यह आलोचक उसको बताता है, क्योंकि आलोचक ज्यादा विद्वान होता है। तीसरा,
आलोचक साधारण पाठक की अपेक्षा अधिक ज्ञान संपन्न होता है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है आलोचक, उसका अध्ययन विस्तृत और गंभीर होता है, वह रचना के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालकर हमें अनेक नई बातें बताता है और नए मार्ग दिखाता है। इस प्रकार आलोचक की भूमिका एक पाठक के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज भी जब कि आप किसी कविता को पढ़ते होंगे, जैसे अंधेरे में जो मुक्ति बोध की कविता है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आलोचना को पढ़ेंगे, किसी आलोचक की आलोचना को जब आप पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में अंधेरे में कविता है क्या, ब्रह्म राक्षस है क्या। तो इसलिए आलोचक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, उसके माध्यम से जो पाठक है अथवा श्रोता है वह समझ पाता है। अब आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार आलोचना से हम बहुत लाभ उठा सकते हैं और हमारा ज्ञान बहुत बढ़ सकता है, इसीलिए हम लोग क्या आलोचना को पढ़ते हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास का यह कहना है कि आलोचना से हमको बहुत फायदा होता है और हमारा ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमको आलोचना अवश्य पढ़नी चाहिए। और मूल्यांकन की दृष्टि से, तीसरा हमने पहले देखा कवि की दृष्टि से, दूसरा हमने देखा कि श्रोता अथवा पाठक की दृष्टि से, और तीसरा हम देख रहे हैं मूल्यांकन की दृष्टि से, किसी कृति के मूल्यांकन को ध्यान में रखकर आलोचना से क्या फायदा होता है। मूल्यांकन की दृष्टि से भी आलोचना का विशेष महत्व है। आलोचक किसी रचना की व्याख्या ही नहीं करता, अपितु उसका मूल्यांकन भी करता है। आलोचक के निर्णय को व्यक्तिगत निर्णय कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता। तो एक आलोचक का काम सिर्फ किसी कृति की व्याख्या करना ही नहीं है, बल्कि उसका मूल्यांकन करना है कि यह साहित्य कितना मूल्यवान है, यह समाज के लिए राष्ट्र के लिए कितना उपयोगी है, कितना मूल्यवान है, और हिंदी साहित्य में अथवा किसी अन्य भाषा के साहित्य में उस कृति का क्या महत्व है। तो हम आलोचक के निर्णय को सिर्फ यही नहीं कर सकते कि यह तो उसका व्यक्तिगत निर्णय है, इसको हम उपेक्षित नहीं कर सकते, बल्कि वो पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए उसका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि आलोचक भी एक व्यक्ति ही है, फिर भी कृति का मूल्यांकन व्यापक मानवीय प्रक्रिया का अंग है। मतलब ठीक है, यद्यपि आलोचक भी एक हमारे जैसा ही व्यक्ति है, लेकिन वो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा विद्वान है। भले यह मानवीय प्रक्रिया का अंग है, लेकिन आलोचक की विद्वता पर हम संदेह नहीं कर सकते। विभिन्न मनुष्यों के विचारों और भावों में बुनियादी समानताएं भी दिखाई पड़ती हैं, इसलिए मूल्यांकन में भी समानता मिल सकती है। ताजमहल को असुंदर कहने वाले अपवादी माने जाएंगे। यह भी हो सकता है कि विभिन्न प्रकार के जो आलोचक हैं, उनका जो मूल्यांकन करने का जो तरीका है अथवा उन्होंने जो निर्णय दिए हैं, जो मूल्यांकन किया है, वो एक जैसे हो, लेकिन फिर भी इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। जैसे ताजमहल को कोई भी खराब दिखता है नहीं कर सकता, जो भी ताजमहल को देखेगा उसे ताजमहल सुंदर ही दिखाई देगा। तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ताजमहल को देखने के बाद बोलेंगे अरे यार क्या बना दिया, कुछ खास नहीं है, तो सिंपल सा बिल्डिंग है। तो यह मतलब प्रत्येक व्यक्ति ताजमहल का मूल्यांकन कैसे करेगा कि ताजमहल बहुत ही सुंदर है। तो ऐसे ही विभिन्न आलोचक भी किसी कृति, अच्छी कृति को अच्छा ही मूल्यांकन करेंगे, उसको ग्रेडिंग देंगे। अब आलोचना की सामाजिक उपयोगिता निर्विवाद है। इस प्रकार आलोचना जो है समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि साहित्य कृति का मूल्यांकन साहित्य शास्त्र में सिद्धांतों की कसौटी पर होता है, तथापि आलोचना कृति के नैतिक पक्ष पर भी विचार करती है। यद्यपि जब भी हम साहित्य का मूल्यांकन करते हैं तो वह हमारे जो प्राचीन मापदंड है या फिर जो साहित्य के जो नियम कानून है, सिद्धांत है, उन कसौटियों को ध्यान में रखकर साहित्य शास्त्र के अंतर्गत जो नियम कानून बनाए हैं उसके आधार पर किसी कृति का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आलोचना के माध्यम से किसी कृति के नैतिक पक्ष पर भी विचार विमर्श किया जाता है। और साहित्य का संबंध जीवन से है ना, साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, साहित्य का संबंध जीवन से है, इसलिए जो जीवन के लिए अच्छा नहीं है वह साहित्य में भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो जीवन के लिए अच्छा नहीं है वह साहित्य के लिए क्या अच्छा होगा। इस प्रकार आलोचना अशिष्ट, अशिष्ट मतलब बेकार या खराब, अनैतिक, जो नैतिक नहीं है, एवं अश्लील साहित्य पर रोक लगाती है। तो आलोचना एक अंकुश लगाती है, रोक लगाती है उस साहित्य पर, रोक लगाती है जो खराब है, जो अनैतिक है, जो अश्लील है। और तटस्थ मतलब जो निरपेक्ष भाव से आलोचना करता है, जो किसी साहित्य के अपने निजी रुचियों, अभिरुचियों के आधार पर किसी कृति का मूल्यांकन नहीं करता, उसकी आलोचना नहीं करता, ऐसा तटस्थ आलोचक निर्चिर विवेक से युक्त एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है। जैसे हंस का काम होता है कि पानी और दूध में से पानी को अलग कर दे, दूध को पी ले, वैसे ही जो आलोचक होता है वह गुण दोष की विवेचन बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, वह निष्पक्ष व्यक्ति होता है, और वह स्वस्थ आलोचना द्वारा कवि एवं पाठक दोनों का उपकार करता है। तो आलोचक का महत्व, कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है आलोचक, आप समझ सकते हैं कि वह स्वस्थ आलोचना के द्वारा निरपेक्ष भाव से, तटस्थ भाव से आलोचना करने के करके वह कवि का भी उपकार करता है, क्योंकि कवि को यश और कीर्ति का प्रसार होता है, कवि फेमस होता है, और जो पाठक होता है वह भी काव्य को भली भांति समझ पाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आज के एपिसोड में हमने देखा कि आलोचना का अर्थ, आलोचना की परिभाषा, आलोचना का स्वरूप, आलोचना के प्रकार,
और आलोचना की उपयोगिता। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।